ओके सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आजन और आप देख रहे हो टेक्निकल आजन को अपने यूट्यूब चैनल। सो गाइज बेसिकली आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3। हाँ गाइज जेड फोल्ड 2 तो आ चुका है लेकिन अब आने वाला है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3। आज की स्टूडियो में हम इनके पिक्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे, सब कुछ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस बैक टू पॉइंट आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 के बारे में। इनको पिक्स इधर भी आ चुके होंगे और इधर भी आ चुके होंगे। कुछ इस प्रकार का लुक देता है, अगर जेड फोल्ड 2 की तरह ही देता है। और इसके अंदर कैमरा सेटअप कैसा होगा, प्रोसेसर कौन सा होगा, कितने एमएच की बैटरी होगी, वैट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, डिस्प्ले साइज एमुलेट है या नहीं, रिफ्रेश रेट क्या है, सब कुछ के बारे में मैं अभी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्प्ले। हमारे फ़ोन में सबसे ज़रूरी होता है डिस्प्ले, और जेड फोल्ड 3 का डिस्प्ले एकदम खतरनाक होने वाला है, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कैसे फोल्ड होगा, एकदम नेक्स्ट लेवल लुक, प्रीमियम लुक देगा। सबसे पहले इसका डिस्प्ले होने वाला है 7.6 mm का, कितना 7.6 mm का फुल HD डिस्प्ले होने वाला है। प्लस एमुलेट होने वाला है, क्या एमुलेट डिस्प्ले होने वाला है। प्लस 120Hz का रिफ्रेश रेट होने वाला है, क्या गाइज 120Hz का रिफ्रेश रेट होने वाला है। नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले, डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डिस्प्ले मतलब नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होने वाला है, पूरे 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, क्या 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है। लेकिन अभी मैं बात करूँगा प्रोसेसर, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया है। इसके अंदर प्रोसेसर होने वाला है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888। हाँ गाइस अभी तक एकदम बेस्ट तगड़ा वाला प्रोसेसर है, कौन सा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888। हाँ गाइस 888 प्रोसेसर होने वाला है, एकदम खतरनाक गेमिंग परफॉर्मेंस देगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है ये प्रोसेसर। अभी मैं बात करूँगा इनके कैमरेज, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा, मतलब क्या सेटअप है, कैसे सेटअप है। सबसे पहले बता देता हूँ, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, क्या ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। कितने कितने मेगापिक्सल का, 12+12+12। हाँ गाइस सब कुछ 12 होने वाला है। रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है इसमें सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 में। अभी मैं बात करूँगा सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा होने वाला है, फ्रंट कैमरा होने वाला है 4 मेगापिक्सल का, प्लस 10 मेगापिक्सल का कवर कैमरा होने वाला है, क्या 10 मेगापिक्सल का कवर कैमरा भी होने वाला है। बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है 10 मेगापिक्सल कवर कैमरा, आई थिंक सो। आपको इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, हाँ इसकी बैटरी लाइफ कितनी, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है। अभी इसका मतलब बैटरी कितनी है जल्दी से बताओ। इसकी बैटरी बेसिकली होने वाली है 4400 mAh की, कितनी 4400 mAh की बैटरी होने वाली है। किसकी, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 की बैटरी होने वाली है पूरी 4400 mAh की। 5W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, हैंग इज क्या 25W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। प्लस एंड्रॉयड 11 बेस है, क्या एंड्रॉयड 11 बेस है। कलर वेरिएंट्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे वेरिएंट आने वाले हैं इसमें। सो गाइस ये थे कुछ थोड़े से पिक्स थे, अब आपको समझ में आ चुके होंगे जो सैमसंग की जेड फोल्ड की सीरीज़ है बहुत ही अच्छी है। प्लस इसका जो फोल्ड होता है डिस्प्ले वो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। प्लस इनके तरफ से जेड फ्लिप 3 भी आया है, अगर आप देखना उसके पिक्स मैं शायद मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका होगा, अभी तक जरूर जाके विजिट कीजिए। मैं अनबॉक्सिंग लाता हूँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सभी तरह के वीडियो लाता हूँ, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अनबॉक्सिंग जरूर जाके विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 की। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दिया इसके अंदर कितने अच्छे अच्छे फीचर्स आने वाले, बहुत ही अच्छे फीचर्स आ रहे हैं। प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा अच्छा है, मतलब बैटरी अच्छी है, ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। आप कहोगे इसकी प्राइस क्या होने वाली है, क्या आप बोलोगे दिल्ली इसकी प्राइस बताओ। इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 1,50,000 के अराउंड हो सकती है, गेस है, एटल श्योर नहीं है कितनी, 1,50,000 के अराउंड इजिली आ जाएगा मेरे ख्याल से।
अभी तक तो इसकी कोई मतलब प्राइस पूरी सी आई नहीं, प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है आई थिंक सो। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इन एनी केस जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए तक लेटेस्ट वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।